नैनीताल में समसामयिक न्यायिक विकास और न्याय प्रणाली को विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ करना विषय पर आज से दो दिवसीय उत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इसका आयोजन उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड न्यायिक और विधि अकादमी एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के तत्वाधान में किया गया है। इस सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय से 7 न्यायाधीश भी शिरकत कर रहे हैं। भवाली में भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तर क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी में आयोजित सम्मेलन में राज्यपाल के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और शीर्ष सरकारी अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उद्घाटन सत्र पर देशभर से आए न्यायाधीशों के लिए एक संदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पढ़ा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि तकनीक की मदद से न्याय को सरल बनाने में आसानी हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के बीच आकर खुशी हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि ये आयोजन लाभदायक और प्रभावशाली परिणाम देने वाला होगा। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, भारत के अटॉर्नी जनरल, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ ही इन राज्यों के प्रतिनिधि न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड का जो जुडिशरी एंड लीगल एकेडमी है और इसके अंदर में जो चिंतन किए जाएंगे, इसके अंदर जो मंथन होगा, उसके अंदर में कि किस प्रकार के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी के साथ मिलाएं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर अवसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक हमको अपना एक रूप दिखाया था जब कोविड हुआ था। उस वक्त में किस प्रकार से हमने ऑनलाइन और किस प्रकार से अपने पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक नए नजरिए से देखा था, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे। और आज एक वक्त था जिसके अंदर में हरेक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनको अपनी कुछ भावनाओं के साथ के बताने का, और सबसे एक गहरी बात जो की कि ऐसा लगता है कि हमको जुडिशरी के अंदर में हिंदी भाषा को उसका प्रयोग करना चाहिए।